लोग भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। अगर हमारी जगह आप लोग होते तो आपकी भी क्या स्थिति होती भाई, हमारी हमारे हाल पर। उमर जी ये बताइए कि पोस्टमार्टम कब तक शुरू हो पाएगा? कल होगा, कल सुबह होगा, वो सूचित करेंगे। अभी तक आपको कोई जानकारी नहीं दी गई? सुबह होगा, सूचित करेंगे, आप लोग को भी हो सकता है। अच्छा, बॉडी के बाद फिर कहाँ ले जाएंगे इसको? ये सब वही लोग जानते हैं कैसे क्या है। मेरे ख्याल से पोस्टमार्टम हो जाने के बाद जो नॉर्मल प्रक्रिया होती है वो हमारे हवाले करेंगे। बॉडी आप लोग कहाँ लेके जाएंगे? जो हमारा गांव है और परिवार है। अभी परिवार से कुछ और लोग आ रहे हैं? नहीं, बस हम हैं और कोई नहीं है, हम ही लेकर कोई और। क्या स्थिति है सौ को देखने के बाद? देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? भैया क्या लग रहा है इसको बताने से क्या नहीं, न्यायालय में बता रहे हैं। जी जी जी, माननीय न्यायालय के समक्ष अदायगी में लिख कर दिया 19 तारीख को उनको बनाने में क्या बिगड़ी लाए गए। 12 घंटे के अंदर इतना प्रेशर पड़ा, डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज भी नहीं कर पा। आईसीयू से आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि आईसीयू से इंसान वार्ड में जाता है, प्राइवेट वार्ड में जाता है, या आईसीयू के बाद जो यूनिट होता है उसमें जाता है। यहाँ आईसीयू के बाद सीधा तन्हाई बैरिक जेल की, और तन्हाई बैरिक जेल की, और उसका आलम ये है कि आज प्रशासन सौ को सपोर्ट करने को, और हार्ट अटैक के बाद जो सब बात आप लोग के साथ। सौ में कुछ संदिग्ध समझ में आया? सौ को देख कर किसी तरह का संदेह? मैंने चेहरा देखा है सिर्फ जी, और जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जा चुका है। पूरा परिवार है और खुद हमारे फादर इस बात को कहने कि हमें जहर दिया जा रहा है, लेकिन कहाँ क्या शव के लिए प्रशासन से क्या बात हुई? क्या पोस्टमार्टम कब तक होगा? हमारी कोई बात नहीं हुई है, घर के बड़े बड़े जो हैं अफसाल बाबा, हाँ सचिव, उनकी बात हुई है, वही बात कर रहे हैं, वही बात। वो आएंगे सांसद जी? नहीं वो आएंगे नहीं, वो बात कर रहे हैं, अब सुबह से हमको अपडेट करेंगे। उनकी तबीयत नहीं ठीक है, वो इस समय दवा लेकर किसी तरह उनको। पोस्टमार्टम के लिए क्या कह रहा है प्रशासन कब तक होगा? सुबह होगा। कितने डॉक्टर का पैनल बनाया गया है, क्या कुछ जानकारी दी गई? वो लोग जानेंगे, शायद 5।